हेलो गाइस, तो आई एम बैक अगेन। आज मम्मी बहुत बहुत इजी एंड यम्मी एंड डिफरेंट रेसिपी बनाने वाली है। तो आज मम्मी बनाने वाली है चीटोस चीजी कॉर्न डॉग्स। तो इसमें सिर्फ मोजरेला चीज होगा, बिल्कुल चीजी चीजी होगा, बहुत मजा आएगा, बहुत इजी है। चलो देखते हैं रेसिपी को। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चीटोस चीजी कॉर्न डॉग। तो चीटोस मंगा लिया मैंने, ऑनलाइन ही मिलता है। आप लोग भी ऑनलाइन मंगा लेना, मैं लिंक दे दूंगी। और ये चीज मोजरेला। तो स्टार्ट करती हूँ अभी बनाना। पहले मैं बनाऊंगी बैटर। तो एक अंडा चाहिए, एक अंडा ले लेंगे हम। सबसे पहले अंडा डालने के बाद हाफ चम्मच नमक डालूंगी, एक चम्मच शुगर डालूंगी, हाफ चम्मच इंस्टेंट ईस्ट डालूंगी। मिक्स करूंगी अच्छे से। अब मैं इसमें मिक्स करूंगी मैदा एक कप और चावल का आटा चार चम्मच। और इसमें मैं अभी ऐड करूंगी मिल्क, गुनगुना गरम मिल्क। एकदम अच्छा सा सॉफ्ट सा एक बैटर बनाएंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लिया। और इतना ही थिकनेस वाला बैटर चाहिए हमें। जब हम डिप करेंगे तो एकदम ये अच्छे से कोट हो जाएगा। तो इसको मैं अभी रखती हूँ साइड में। तो अभी मैं चीटोस को मिक्सर ग्राइंडर में डस्ट बना लूंगी। सबसे पहले पैकेट काट के एक जार में ले लूंगी। तो चीटोस भी मेरा रेडी हो चुका है। चीटोस को भी मैं साइड में रखती हूँ। अभी चीज को मैंने निकल लिया। और आपके स्टिक जितना बड़ा रहेगा या आपको जितना बड़ा बनाना है उसी नाप से आपको इसको कट करना है, साइज देख के। और मोटा बनाना है या पतला बनाना ये भी आप खुद तय करोगे कितना बनाना है। तो सारे जो चीज है मेरी वो मैंने कट कर लिया। अब हम इसको एक एक स्टिक में पहले डाल लेंगे। ये जो स्टिक है ये भी आपको अमेजन में मिल जाता है, अगर आप चाहो तो लेना। तो सारे जो चीज के टुकड़ा है उसको हमने स्टिक में डाल दिया है। अब इसको फ्राई करने की प्रोसेसिंग में जा रही हूँ। तो ये जो मैंने बैटर बना के रखा था ना, तो अभी इसको मैं डाल लूंगी एक ग्लास में। कप में या ग्लास में इसीलिए लेंगे बैटर को, जो स्टिक हम इसमें डिप करेंगे और वो अच्छे से कोट हो जाएगा। तो ऐसा स्टिक लेके मैं इसमें डिप करूंगी, ये अच्छे से कोट हो जाए। और फिर मैं आराम से इसको निकाल लूंगी। कोट हो गया अच्छे से। और फिर मैं इसको चीटोस में डिप करूंगी। तो चीटोस में अच्छे से कोट कर लिया। और फ्राई करने के लिए मैंने खूब एक पैन में खूब सारा ऑयल भी डाल दिया। ऑयल भी गर्म हो रहा है धीरे धीरे। और एक बात, आप लोग जब बैटर बनाओगे इसका, कोई कोई कमेंट में मुझे पूछते हो आप लोग कि अगर अंडा नहीं यूज करना है तो अंडा स्किप कर देना, बाकी सब वैसा ही रखना। अच्छे से कोट कर लिया मैंने। अब ऑयल भी मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी ऑयल में, डीप फ्राई कर दूंगी। और ये फ्राई हो चुका है। 3 मिनट ही फ्राई किया मैंने दोनों तरफ, डेढ़ मिनट करके। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। एक एक करके सबको मैं पहले तल लूंगी। तो सारे कॉर्न डॉग मैंने तल लिया, सब फ्राई कर लिया। और ये ईस्ट के वजह से सब फ्लॉपी फ्लॉपी भी हो गया है। तो अब मैं इसको गार्निशिंग करूंगी मास्टर सॉस से।
बहुत सिंपल और बहुत इजी ये रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो, और खाने के बाद जरूर बताना कैसा था। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।